हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सलमान डे में स्वागत है। तो दोस्तों, रियलमी नर्जो 50A और रियलमी नर्जो 50i स्मार्टफोन को भारत में आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही देश में रियलमी बैंड 2 और रियलमी स्मार्ट टीवी न्यू 32 इंच को भी भारत में लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, नए फोन्स में नर्जो 50A ज़्यादा प्रीमियम मॉडल है, इसलिए इसमें 6000 mAh की बैटरी और मीडिया टेक लियो G85 प्रोसेसर दिया गया है। अब दोस्तों, हम रियलमी नर्जो 50A के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रियलमी का ये नया स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 बेस्ड रियलमी UI 2.0 पर चलता है। इसमें 6.5 इंच का HD प्लस 720x1600 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में 4GB रैम और ARM माली G52 GPU के साथ मीडिया टेक लियो G85 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा और एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लेंस और एक 2MP माइक्रो कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी के लिए इसमें फ्रंट में 8MP का कैमरा मौजूद है। इसके साथ ही दोस्तों, 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और 6000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। और साथ में ही दोस्तों, यह 2 कलर ऑप्शन में मौजूद है, ऑक्सीजन ब्लू और ऑक्सीजन ग्रीन कलर ऑप्शन में आप इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों, रियलमी नर्जो के प्राइस की बात करें तो रियलमी नर्जो 50A के 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 11,499 रुपये और 4GB रैम प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये रखी गई है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं रियलमी नर्जो 50i के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 4GB तक रैम के साथ UniSoC 9863 प्रोसेसर मौजूद है। फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 8MP का कैमरा मौजूद है। वहीं सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 5MP का कैमरा दिया गया है। और दोस्तों, यह एंड्रॉयड 11 बेस्ड रियलमी UI गो एडिशन पर चलता है। और दोस्तों, फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और दोस्तों, यह आपको 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, कार्बन ब्लैक कलर और मिंट ग्रीन कलर में आपको यह मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, रियलमी नर्जो 50i की कीमत की बात करें तो 2GB रैम प्लस 32GB वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये और 4GB रैम प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 8,499 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।